दोस्तों मार्केट में बहुत सारे फ़ोन सेल किए जाते हैं। हर कंपनी का अलग अलग सिनेरियो होता है कि वो किस हिसाब से मार्केट में अपना फ़ोन जो है प्रोवाइड कराती है, उसके बाद आपको वो परचेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ोन आपके पास होंगे, आपके रिलेटिव्स के, आपके फ्रेंड के पास, कहीं ना कहीं आपको सैमसंग के फ़ोन देखने को मिलेंगे। इसका रीज़न यही है क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन जो है वो सैमसंग के सेल किए जाते हैं। अब ये तो पता ही होगा कि आपको इसने कम्पीट किया था नोकिया के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इससे पहले जो सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन सेल किए जाते थे वो नोकिया के थे। अब इसका रीजन भी आपको पता ही होगा कि किस वजह से कम्पीट किया था और कि सैमसंग आगे आई थी। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि हर कंपनी की अपनी एक सीरीज होती है जिसके हिसाब से उसके फीचर और उसके प्राइस को डिसाइड किया जाता है कि मार्केट में इस फीचर के साथ और इस प्राइस पॉइंट पे जो है लॉन्च किए जाते हैं, और हर किसी की अपनी एक सीरीज होती है, उस हिसाब से ही वो आगे ग्रो कर पाती है। तो सैमसंग की सबसे ज्यादा आज के वक्त में अगर कोई सीरीज देखी जाती है वो है नोट सीरीज, जिसने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी। तो यहाँ पर जो है वो सैमसंग उसे बंद करने के बारे में सोच रही है। अब इसका क्या रीजन है, किस वजह से ऐसा होता है, या फिर कोई सी भी नई सीरीज चालू की जाती है उसके क्या सिनेरियो होते हैं, किस तरह का विजन लेकर कंपनी अपनी नई सीरीज को मार्केट में लॉन्च करती है, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उसके बाद जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगर आप किसी भी फ़ोन को परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर आप अपना बजट, उसके जो फीचर होते हैं, वो सारी चीज़ें देखकर ही आप डिसाइड करते हैं। लेकिन आज के वक्त में आपने देखा होगा कि आज पैंडमिक की वजह से हर किसी की इकोनॉमी जो है वो डाउन हो चुकी है। यानी कोई भी अगर आप अपने आप को ही देखे, हो सकता है आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, तो आपका जो बिजनेस है या फिर जॉब है वो काफ़ी नीचे आ चुका होगा, जिसकी वजह से आपने क्या हुआ कि अपनी जो जेब है उसे आपने हल्का रखा है। यानी आप कोई भी चीज़ परचेज़ के बारे में सोचते हैं तो वो आपको ज्यादा ही सोचने पर मजबूर करता है, या फिर आप उसे बार बार सोचते हैं कि इसे परचेस करूं या ना करूं। अब जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप कोई चीज इस वक्त परचेस करेंगे तो आप सोचेंगे कम से कम प्राइस में आपको मिले। यही एक रीजन है जिसकी वजह से सैमसंग की नोट सीरीज बंद हो रही है। अब इसमें क्या है कि आपको पता ही होगा कि इसकी जो सीरीज नोट सीरीज में आपको जो फोन देखने को मिले होंगे ज्यादा महंगे होंगे। परचेज अगर आप करना चाहें तो उसके अंदर चाहे आप भले ही उसके फीचर को ध्यान दें या फिर उसके प्राइस को, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा उसके प्राइस है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपका बिजनेस या फिर आपकी जॉब जो है आज के वक्त में थोड़ी रिस्क में है, जिसकी वजह से आप इसे परचेस करने के बारे में थोड़ा बच रहे हैं। तो ये हाल पूरी दुनिया का है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो सैमसंग की नोट सीरीज है उसके अंदर इतनी तगड़ी गिरावट आई है कि लोग उसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक कैलकुलेशन की जाए जो न्यूज के थ्रू हमें प्रोवाइड कराई जाती है, वो ये है कि 80% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है सैमसंग की नोट सीरीज में। अब इसमें ये होगा, जाहिर सी बात है कि जब इतनी लंबी गिरावट किसी भी सीरीज में आएगी तो वो उसे बंद करनी ही पड़ेगी। यही एक रीजन है। इसके अलावा सैमसंग ने ये भी कहा है कि वो नई सीरीज पर काम करेगी या फिर उसके जो फोल्डेबल फोन है वो उस पर ज्यादा जोर देगी। सैमसंग की नई सीरीज में एस सीरीज आती है, इसके अंदर आपको आने वाले साल में सैमसंग का S21 जो है वो देखने को मिलेगा। यानी इसके अंदर आपको जो स्मार्टफोन मिलेंगे या फिर एस सीरीज कह सकते हैं आप, इसके अंदर आपको नए फीचर और प्राइस वगैरह को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिसके चलते आप इसे आसानी से परचेस कर सकें, या फिर फोल्डेबल फोन को कहें चाहे उसके प्राइस अलग हो, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक नया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है जो फोल्ड कर सकते हैं आप फोन को, और ये थोड़ा अलग ही है और काफी टाइम तक अभी चलने वाला है, क्योंकि अभी नई टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, तो उसके अंदर हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो पूरी दुनिया की थोड़ी अलग चल रही है। तो यही था जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कोई से भी फोन अगर मार्केट में परचेज किए जाते हैं तो उसका रीजन यही होता है कि या तो आपके पास ठीक ठाक पैसे हो, पूरी कैलकुलेशन देखी जाती है मार्केट की, पूरा जो अच्छा एक्सपेक्ट बनता है उसी के हिसाब से सारी चीज पर काम करना पड़ता है, और न्यू सीरीज भी अब लाई जाएगी तो उसके ऊपर भी प्राइस और उसके जो फीचर वगैरह है उसको ऊपर ध्यान देना होगा। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उसके बाद जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सी भी चीज डिटेल में जानने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहे हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। थैंक यू।